arrange the following compound in order of increasing dipole moment. डायपोल मोमेंट बताना है. तो देखो भाई क्या है, क्या क्या है, टॉलुइन है, मेटा क्लोरोबेंजीन है, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है. देखें पैरा डाइक्लोरोबेंजीन नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा भाई, भाइयों जल्दी से बोलो. प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, नेट डायपोल मोमेंट इट शुड बी इक्वल टू जीरो. डायपोल जीरो आ गया, म्यू की वैल्यू हो गई जीरो. ये तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हो गई, ठीक है. टॉलुइन को देखो, टॉलुइन का डायपोल मोमेंट बहुत ज्यादा पोलर नहीं होता है. डायपोल मोमेंट 1D से कम होता है, ठीक है, फ्रैक्शन में रहता है, बहुत नॉन पोलर जैसा ही ये भी बिहेव करता है, लेकिन इससे तो ज्यादा होगा. अच्छा, डाइक्लोरोबेंजीन में आर्थो और पैरा को जब हम कंपेयर करेंगे, तो आर्थो और मेटा को, सीएल ये क्या है, मेटा है, और आर्थो को कंपेयर करें, आप समझ सकते हो कि आर्थो और मेटा में किसका डायपोल मोमेंट, आर्थो का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा. क्यों? यहां पर जो वेक्टर बने, ये दो वेक्टर बने, इनके बीच का जो एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री का कोण बनता है. और यहां पर देखें आप इस वाले केस में कि यहां पर बॉन एंगल जो बनेगा वो 120 डिग्री का बनेगा, ठीक है, 120 डिग्री का बनेगा. कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, तो नेट डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा. तो इन दोनों में तो ये ज्यादा होता है. अच्छा, टॉलुइन का इन दोनों से ही कम होता है. याद रखें कि यहां पर ज्यादा पोलर बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंसेस ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंसेस कम है. क्यों? अगर ये sp2 ये sp3 हमारे कार्बन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस कम होने की वजह से डायपोल मोमेंट कम रहेगा, ठीक है, बट नॉट शुड बी इक्वल टू जीरो. तो करेक्ट ऑर्डर इज, चेक कर लो कहाँ पे, पैरा वाला, फोर्थ वाला सबसे कम है और सबसे ज्यादा है आर्थो वाला, थर्ड वाला सबसे ज्यादा है, फोर थ्री दो ऑप्शन मिल सकते थे. फोर के बाद क्या आएगा, फर्स्ट के बाद सेकंड के बाद थर्ड, दैट इज ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर. क्लियर? ठीक है,